वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू एन अनदर हॉल वीडियो। वेल, वीडियो के टाइटल से पता चल ही गया होगा, दिस इज द नायका समर सुपर सेवर डेज हॉल। यस, आई थिंक आई हैव सेड इट करेक्टली, नायका समर सुपर सेवर डेज। हां, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला है, बाय द वे उसके अंदर सारे प्रोडक्ट्स नहीं है, यहाँ पे मैंने सारा निकाल लिया है। बट बिफोर गोइंग टू द वीडियो, आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग वेल, यू ऑल आर एब्सोल्युटली सेफ। एंड हर वीडियो में जैसे मैं बोलती हूँ, एक ही चीज मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, प्लीज स्टे एट होम, स्टे इनडोर्स, सैनिटाइज, वेयर योर मास्क, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर लव्ड वन। वी ऑल नो हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन, आई डोंट नीड टू मेंशन अगेन एंड अगेन, सो प्लीज फॉलो दैट। नाउ कमिंग टू द वीडियो, यहाँ पे मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को निकाल लिया है ताकि आप लोगों को दिखाने में इजी हो। एंड आई एम हैविंग फ्यू प्रोडक्ट्स इन दिस, क्योंकि जो कार्टून आता है, आई विल नॉट सजेस्ट कि उसको इस बेडरूम तक ले आओ या फिर आपका स्टूडियो तक ले आओ, वो मुझे नॉट एट ऑल लाइक ठीक लगता है, बिकॉज वो कार्टून एकदम बाहर होके आता है, उसको मैं कितना भी सैनिटाइज कर लूँ, आई डू नॉट फील गुड कि उसको मैं बाद में यूज करूँ। सो पहले क्या होता था, हॉल बनाते वक्त ऐसे में दिखाती थी, नाउ डेज आई एम नॉट डूइंग दैट, मैं सारे प्रोडक्ट्स को निकाल लेती हूँ, सैनिटाइज करती हूँ, चार पाँच दिन छोड़ देती हूँ, एंड देन आई फिल्म दिस वीडियोज। सो मेरे पास वो बॉक्स तो नहीं है, अब जो भी प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे हैं, जो मैं एक एक करके आपको दिखाने वाली हूँ। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट प्रोडक्ट, दिस वन द नायका स्किन टिंग हाइड्रेटिंग फाउंडेशन। आई वॉज थिंकिंग ऑफ ट्राइंग दिस प्रोडक्ट फॉर लॉन्ग, आई रियली लव द टेक्स्चर, आई रियली लव द फिनिश, बिकॉज मुझे क्या होता है कि मैं जब भी फाउंडेशन लगाती हूँ, फॉर फ्यू ओकेजन आई लव अ वेरी गुड कवरेज फाउंडेशन, बट एवरी डे फॉर एवरी डे पर्पज, लाइक जैसे कि मैं ये वीडियो फिल्म कर रही हूँ, जैसे मैं इन जनरल फैशन वीडियोज बनाती हूँ, जनरली दैट्स वॉट आई डू, मेरा एक्चुअल फैशन है, एंड उसके साथ आई रियली लव क्रिएटिंग कॉन्टेंट फॉर ब्यूटी lifestyle as well. So, ये foundation मुझे काफी अच्छा लगा, एंड लगाने के बाद आई रियली फील हाइड्रेटेड, एकदम ड्राई नहीं हो जाता है। अगर आपका ड्राई स्किन है, पुट अ गुड मॉइस्चराइजर अंडर लाइक दिस फाउंडेशन, एंड बहुत ही लाइक क्या मैं बोलूँ कि मीडियम कवरेज है, अगर आपको हाई कवरेज चाहिए आपको थोड़ा सा बिल्डअप करना होगा, बट पहले ही बहुत सारा फाउंडेशन नहीं लगा लेना है, दैट इज द अल्टीमेट गाइड ऑफ पुटिंग एनी काइंड ऑफ फाउंडेशन। मेरा शेड है ट्रू टैन, एंड जो प्राइस है उसके हिसाब से जो प्रोडक्ट मुझे मिला है वो मुझे सही लगा है, लाइक एवरीडे पर्पज के लिए, एंड हाइड्रेटिंग है वो मेरे लिए सबसे अच्छी बात है। मुझे एकदम फाउंडेशन लगाने के बाद जो स्किन ड्राई हो जाता है, आई डोंट लाइक एट ऑल। सो उस केस में मुझे लगता है कि फ्रॉम नाउ ऑन एवरीडे पर्पज के लिए ये मैं यूज करने वाली हूँ, एंड इस सेल में भी मैं दूसरा ऑर्डर करने वाली हूँ। नेक्स्ट आई हैव दिस वन, द नायका ग्लो गोल्ड शिमर ब्रेक हाइलाइटर। दिस इज अ हाइलाइटर, इसका मैंने निकाल के रखा हुआ है, दिस वन, दिस इज हाउ इट लुक्स, आई एम जस्ट पुटिंग अ क्लोजर व्यू ऑफ दिस, यू कैन सी इट्स नाउ, यू कैन आस्क कि ये कैसे हाइलाइटर हुआ। मुझे जनरली ये चाहिए था कि मुझे ब्लश और हाइलाइटर ये दोनों का काम कर जाए, कि इस जगह पे इफ आई पुट आई गेट लाइक द इफेक्ट ऑफ बोथ लाइक हाइलाइटर एंड ब्लश। ऑल्सो मैं अभी कुछ दिनों में ये यूज भी की हूँ, ये हाईली पिगमेंटेड है जो मैं खुद ही देखी हूँ, ये सही में पिगमेंटेड है, अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स वाटर प्रूफ, जो कि हाँ स्वेट वगैरह तो हो गया था बट ये नहीं हटा था, वेरी इजी टू ब्लेंड, हाँ वो भी सही है, बहुत ही इजीली ये ब्लेंड हो जाता है, मुझे काफी अच्छा लगा, एंड आई लव द पैकेजिंग दे हैव डन, दिस इज रियली फन एंड क्वर्की, एंड क्या होता है कि ये बहुत ही मुझे ट्रैवल फ्रेंडली भी लगा, आप पैकेजिंग से देख सकते हो, इसको आप आराम से अगर आप बाहर जा रहे हो एंड आपको लगता है कि आप लाइक हाइलाइटर एंड ब्लश अलग अलग से कैरी नहीं करना चाहते हो, इन दैट केस दिस इज रियली गोइंग टू हेल्प मी। सो एंड ऑल्सो अगेन आई एम मेंशनिंग, आई एम नॉट गोइंग टू डू अ डिटेल्ड रिव्यू फॉर दैट, डू डेफिनेटली चेक आउट द ब्यूटी क्रिएटर्स यूट्यूब चैनल, दे टॉक मच अबाउट दिस, क्योंकि इसके इन्ग्रीडियंट्स, इसका एक्चुअल स्वॉच कैसा है, इसके बारे में बहुत कुछ वो लोग बोलते हैं, विच आई रियली लाइक, बट इन दिस वीडियो आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दिस द नायका कर्ल पावर वाटरप्रूफ कर्लिंग मास्करा। मास्करा मुझे मतलब दिस इज वन ऑफ द मस्ट हैव थिंग इन माई लाइक बैग व्हेनेवर आई एम गोइंग आउट, या फिर मैं अगर इन जनरल मेकअप भी कर रही हूँ, लाइक नो मेकअप, मेकअप लुक काइंड ऑफ अ लुक, उसमें भी मुझे मास्करा एकदम मस्ट हैव है। तो मास्करा मुझे बहुत दिन से आई वॉज थिंकिंग ऑफ ट्राइंग दिस वन, जैसे कि मैं बोली कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स आई वॉज
प्लानिंग टू ट्राई एंड इन जनरल मैं मेकअप के प्रोडक्ट्स में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करती हूँ बट आई वॉज थिंकिंग ऑफ गेटिंग दिस वन. इसका मैंने आज ही अप्लाई किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो. आई रियली लाइक लव द फिनिश. ये सही में मतलब जो आपको कर्लिंग इफेक्ट होता है वो सही में कर्ल हो जाता है, आपको बस अच्छे से इसको अप्लाई करना है. अपार्ट फ्रॉम दैट जो इसका डिस्क्रिप्शन है वो मैं बता दी. इसमें स्मज प्रूफ है, वाटर प्रूफ है. वाटर प्रूफ तो मैंने अभी तक टेस्ट नहीं किया है बट अगर लिखे है तो होता ही होगा. स्मज प्रूफ है जो मैं अभी अप्लाई की हूँ वो मैं खुद देख ली हूँ. जो कर्ल इफेक्ट है, जो बिफोर आफ्टर इफेक्ट, आई कैन डेफिनेटली रिकग्नाइज, वो आराम से आपको पता भी चलेगा. एंड इसका और भी दो अवेलेबल है, एक है लाइक इट लॉन्ग एंड द थर्ड वन इज सुपर साइजर. अगर आपको इन जनरल दूसरा भी चाहिए, इन दैट केस यू कैन चेक दम आउट टू. एंड आई रियली लव द पैकेजिंग. इस बार जो कलरफुल पैकेजिंग उन्होंने स्टार्ट किया है वो मुझे काफी अच्छा लगा है. नेक्स्ट अप वी हैव द नायका ब्लैक मैजिक जेल लाइनर, जेट ब्लैक. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर यू, आई एम वेरी बैड एट पुटिंग आई लाइनर. मैं जब भी लगाती हूँ आई ऑलवेज मेक श्योर कि मेरी बहन है, बिकॉज शी इज रियली प्रो इन दैट. सो मैं उसी से लगवाती हूँ. अभी भी मैंने लाइनर वगैरह अप्लाई नहीं किया हुआ है, तो इसलिए आई ऑलवेज प्रेफर टू गो विद दिस काइंड ऑफ लाइनर्स. इसमें क्या होता है, ये सिलिकॉन टिप ब्रश आता है जिससे बहुत ही मतलब मैं आपको थोड़ा सा क्लोजली दिखा देती हूँ. इससे क्या होता है, जिनको आईलाइनर लगाना नहीं आता है बहुत इजीली हो जाता है. एंड इट कम्स विद दिस. पहले वो लॉरियल का आता था जो मैं यूज करती थी, एंड आफ्टर दैट आई थॉट ऑफ गेटिंग दिस वन. एंड जो इसमें क्वांटिटी है वो काफी है मेरे लिए, मतलब जो आईलाइनर नहीं लगाते हैं मेरे लिए तो पता नहीं कितने साल जाने वाला है. एंड आई रियली लव दिस ब्रश, जो सिलिकॉन टिप ब्रश है वो काफी मेरे लिए हेल्पफुल है क्योंकि इससे मैं आराम से लगा पाती हूँ. स्मज प्रूफ है जो मैंने लगा के देखा है. वाटर प्रूफ है. एनरिच्ड विथ स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स. नायका के प्रोडक्ट्स सही में जो लाइक नेचुरल होता है तो उसमें होता ही होगा. एंड क्विक ड्राइंग है वो मैंने देख लिया है. हाई इंटेंसिटी लाइक पिगमेंटेड है जो मैंने ऑलरेडी अप्लाई करके देख लिया है, तो जो भी इन्होंने लिखा है वो सही है मेरे हिसाब से. आई एम नॉट श्योर अबाउट अदर्स. नेक्स्ट वी हैव नेल पॉलिश, जिन्हें पसंद है. मतलब नेल पॉलिश अगर मैं लगाती हूँ आई ऑलवेज मेक श्योर कि वो वाइट हो या फिर बहुत ही न्यूट्रल टोन में हो. सो यू कैन सी दिस इज अ वेरी न्यूट काइंड ऑफ अ टोन. एंड ये नायका का ही है. इसका जो है शेड है बेयर स्किन 318. इनकेस यू वॉन्ट टू चेक आउट. नेल पॉलिश के बारे में मुझे कुछ बोलना नहीं है. इफ़ यू आर अ पर्सन जिनको नेल पॉलिश पसंद है तो फिर वो नायका का नेल पॉलिश ज़रूर चेक करें. उनके लाइक ढेर सारे वेराइटीज़ में अवेलेबल है, ढेर सारे कलर्स में अवेलेबल है. तो मैं जब भी मंगवाती हूँ नायका से ही मंगवाती हूँ. सो दिस वन मेरा ख़त्म हो गया था, सो आई गॉट दिस वन. देन द नेक्स्ट वी हैव दिस वन. लेट मी शो यू द पैकेजिंग फर्स्ट. मैंने निकाल के रखा है ताकि दिखाने में ईजी हो. मसाबा बाई नायका. आई रियली लव हर पैकेजिंग. सच फन क्वर्की प्रिंट शी ऑलवेज डज. लाइक उनके जो कपड़े भी होते हैं, लाइक जो क्लोथिंग लाइन है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है. तो ये उनका नायका के साथ कोलेब्रेशन में मसाबा का एक कलेक्शन है. तो दिस परफ्यूम आई वॉज थिंकिंग ऑफ गेटिंग दिस वन. सो आई गॉट द वाइल्ड फॉर यू. आई डोंट नो समहाउ आई हैव चोजन दिस वन. फ्रेग्रेंस है वो बहुत ही वेलवेटी है, बहुत ही रिच है. लाइक आपको अगर मतलब बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है बट समहाउ आई रियली लाइक दिस वन इन केस इफ यू आर गोइंग फॉर एनी काइंड ऑफ पार्टी. ओके सो नायका का पहले खत्म कर लेते हैं, वैसे भी और बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स बचे नहीं है. नेक्स्ट कमिंग टू दिस नायका नेचुरल शैम्पू जो इन्होंने अभी कुछ ही मंथ्स पहले लॉन्च किया है. मैं इन जनरल अगर जो शैम्पू यूज कर रही हूँ मैं उसका कंडीशनर भी ऑलवेज यूज करती हूँ. मतलब मैं एक ही शैम्पू नहीं यूज करती हूँ, मेरे पास लाइक तीन चार ऑप्शन है जिसको मैं मतलब अलग अलग से यूज करती हूँ अलग अलग वीक्स के लिए. सो दिस वन आई वॉन्टेड टू ट्राई. दिस वन इज द नायका नेचुरल्स अनियन एंड फेनुग्रीक शैम्पू. एंड ये है उसका कंडीशनर. हम लोगों को सबको पता है अनियन एंड फेनुग्रीक जो मेथी होता है वो कितना लाइक हेल्पफुल होता है हेयर के लिए. लाइक अगर हेयर ग्रोथ का आप कुछ भी पढ़ोगे उसमें अनियन आपको ज़रूर मैंशनड होगा एंड मेथी ज़रूर होता है. सो दिस वन इज़ फॉर हेयर ग्रोथ. सो आई हैव यूज टू टाइम्स. आई एम नॉट श्योर आई हैव टू यूज़ फॉर एट लीस्ट टू मंथ्स फॉर
like after that I can say, but after using this I can definitely say my hair feels so good, nourished. एंड पहले से जो थोड़ा सा फ्रिजी दिखता था वो भी कम हो गया है, हेयर फॉल भी कम हो गया है. इनके से यू वांट टू चेक आउट दिस वन, इनके और भी एक है शायद एंटी डैंड्रफ वाला, वो आप चेक कर लेना. तो ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने नायका से मंगवाया था एंड और भी तीन है जो नायका के ब्रांड से नहीं है. फर्स्ट वन दिस वन फ्रॉम प्लम, आई रियली लव देयर प्रोडक्ट्स, आई हैव वर्क्ड विद देम, आई पर्सनली यूज देयर प्रोडक्ट्स, मतलब मैं खुद खरीद के भी यूज करती हूँ. सो दिस मास्क आई वॉन्टेड टू ट्राई आउट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. आई जस्ट लव द पैकेजिंग, जैसे प्लम के प्रोडक्ट्स के पैकेजिंग होता है, ये इतना यम्मी दिख रहा है. दिस वन इज द लाइक इल्यूमिनेटिंग सो स्मूथ फ्रॉस्ट मास्क. मुझे प्लम इसलिए पसंद है कि इनमें कोई लाइक सारे जो इन्ग्रीडियंट्स है फर्स्ट ऑफ ऑल वो ऑल नेचुरल है एंड देन इसमें कोई आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस इन्होंने कभी यूज नहीं किया है, कभी यूज नहीं करते हैं. पैराबेन फ्री है, SLS फ्री है, वीगन है, क्रुएल्टी फ्री है, ये सारे आप चेक कर लेना जब भी आप ऑर्डर करते हो प्रोडक्ट्स. दीज आर रियली इम्पॉर्टेंट बिफोर परचेजिंग एनी काइंड ऑफ स्किन केयर प्रोडक्ट्स, तो वो जरूर चेक करना. एंड प्लम का जो दूसरा इनिशिएटिव है जिसलिए मैं प्लम का प्रोडक्ट्स यूज करना प्रेफर करती हूँ, मैं इन्फ्लुएंसर हूँ इसलिए पता है. अगर आप लोगों को नहीं पता है, इनके जो खाली कंटेनर है इसको आप यूज करोगे, जो डब्बा आपके पास होगा, जो कॉन्टेनर होगा उसको आप वापस से इनको भेज सकते हो. वो ये सारे कॉन्टेनर्स को रिसाइकिल करते हैं प्रोडक्ट्स के फिर से मैन्युफैक्चर में प्रोबेबली. सो दिस इज अ रियली गुड इनिशिएटिव विच आई रियली लव. इन जनरल जब भी मैंने दो तीन बार शायद लगाया है जब से मैंने ऑर्डर किया है, बहुत ही कूलिंग इफेक्ट देता है. जैसे कि मैं दिन भर ऐसे शूट करती हूँ, वीडियोस फिल्म करती हूँ, उसके बाद सारे मेकअप हटाने के बाद आई अप्लाई दिस वन, बहुत ही कूलिंग इफेक्ट होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट लेट मी रीड फ्यू थिंग्स फॉर यू गाइज. कूलिंग फ्रॉस्ट मास्क जो मैंने मेंशन कर दिया है, रिटेन्स स्किन्स मॉइस्चर विच इज रियली इंपॉर्टेंट, लाइक आफ्टर लाइक रिमूविंग योर मेकअप या फिर जब आप बाहर से आते हो आपका मॉइस्चर लेवल पूरा गड़बड़ हो जाता है. सो यू हैव टू अप्लाई अ प्रोडक्ट जो आपके उस मॉइस्चर लाइक लेवल को बैलेंस करे. देन इट मेंटेन्स pH लेवल्स विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. इम्प्रूव स्किन टेक्स्चर जो मैंने खुद देखा है इसको अप्लाई करने के बाद. एंड और एक चीज़ होता है इसको अप्लाई करने के बाद, आई डोंट नो ये मेरे केस में ही हुआ है, इसको थोड़ा सा मतलब लगाने के बाद ही इसमें पता नहीं somehow मुझे थोड़ा सा इरिटेटिंग लगा था, लाइक थोड़ा सा लग रहा था कि स्किन जल रहा है फॉर 10 सेकेंड, फिर उसके बाद ठीक हो गया है. सो इन योर केस इफ यू फील दैट, आई डोंट थिंक कि उसको फिर हटाने के बाद मेरे स्किन में कुछ भी प्रॉब्लम मुझे तो नजर नहीं आया था. अगर आपको लगता है कि हाँ आप बेयर नहीं कर पा रहे हो, आपको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, जरूर हटा लेना. एंड देन लास्टली इट रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशंस विच इज अगेन अ गुड थिंग. ऑल्सो इट हैज रोज फ्लावर एक्सट्रैक्ट विच इज रियली रियली गुड फॉर स्किन. हाइलुरोनिक एसिड विच इम्प्रूव स्किन टेक्स्चर, आपका जो मॉइस्चर लेवल है उसको बैलेंस करता है. हाइलुरोनिक एसिड वी ऑल आर टॉकिंग अबाउट दिस डेज. सो जो भी प्रोडक्ट्स में हाइलुरोनिक एसिड होता है आई ट्राई टू इंक्लूड देम इन माई स्किन केयर. आई यूज हाइलुरोनिक एसिड सेपरेटली एज वेल विच इज अ रियली लाइक अ गुड थिंग फॉर स्किन दिस डेज, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट सब कोई बात कर रहे हैं. सो आई एम यूजिंग दैट एज वेल. एंड इट हैज़ विटामिन ई जो आपका अगर स्किन डैमेज है सनटन की वजह से, कोई भी वजह से, वो आपको इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा. द नेक्स्ट वी हैव दिस क्यूट लिटिल लिप बम. लिप बम भी मुझे मतलब जो टिंट वाले लिप बम्स होते हैं वो मुझे काफ़ी पसंद होता है, लेकिन इन जनरल जब आप लिपस्टिक लगाने का मन नहीं है, आप ऑफिस जाते हो, कॉलेज जाते हो या फिर वॉकिंग फ्रॉम होम हो, दिस वन इज द रेड वेलवेट वन. इसका स्मेल एकदम यामी है, बहुत ही अच्छा है. एंड इसमें डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ में भी अवेलेबल है, अगर आपको चाहिए इन दैट केस यू कैन डेफिनेटली चेकआउट. हाँ, ये नेचुरली टिंटेड है एंड जो फ्लेवर है वो प्लांट बेस्ड फ्लेवर है विच इज़ रियली गुड. मतलब कोई भी आर्टिफिशियल थिंग इन्होंने यूज़ नहीं किया है, जो कि मैंने पहले भी बताया प्लम का वो चीज़ मुझे सही में अच्छा लगता है. सो इन केस यू वॉन्ट टू चेकआउट एनी लिप बम यू कैन चेकआउट दिस वन. लास्ट वन नॉट द लिस्ट दिस वन, जो आई हैव बीन यूजिंग दिस वी वॉश फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. आई एम नॉट श्योर, इट्स बीन 2.5 years I have been using this one. I really like this one and मुझे इसके बारे में कुछ बोलने का जरूरत नहीं है. I think we all should use this one. If you are not using, definitely start using like intimate hygiene wash.
बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है यूज करना हम लोग लड़कियों के लिए। एंड ये क्या होता है, आपका जो पीएच लेवल होता है, एक आइडियल पीएच लेवल होता है, उसको मेंटेन करता है। सो दैट्स ऑल गाइज, यही था नाइका समर सुपर सेवर डेज हॉल। बोलने में बार बार ही मैं क्या हो रहा है मुझे थोड़ा सा, ये है ही नाम ऐसा। सो यही था नाइका का हॉल इन जनरल। तो मैंने डिटेल रिव्यू तो किसी का नहीं किया है, मैंने वही बताया है जो मैंने इन जनरल मंगवाया था। एंड मेरा पर्सनल डिटेल रिव्यू के लिए आई बिलीव कि हम लोगों को 3-4 महीने एटलीस्ट यूज करना चाहिए। बट कुछ प्रोडक्ट जिसके बारे में मैंने बताया कि वो मैं अगेन एंड अगेन रिस्टॉक करती हूँ, जैसे वो वी वॉश हुआ, जैसे वो लाइनर है, जैसे परफ्यूम, शैम्पू, ये सब के लिए, मतलब अगर आपके आप अगर कंफर्टेबल हो जाते हो, आपके स्किन हैबिचुएट हो जाता है, यू शुड फॉलो लाइक बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स आपको ट्राई करने का जरूरत नहीं है। सो दैट्स ऑल, यही था आज का वीडियो। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन, अभी वीडियो खत्म हो चुका है, डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, व्हेरेवर यू वांट। एंड घर पे रहो, खुश रहो, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।